नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपकी एक बात में, जहां पे मैं आपको अपने देश की, विदेश की, प्रदेश की और अपने आसपास की नई नई और अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियों एवं विचारों को आपके साथ साझा करूंगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर वन, दोस्तों एक बार जरा इस श्री राम की तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को साल 1818 में बनाया गया था। इसे कब और कैसे बनाया गया था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा गया है, जिसका मतलब है इसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था। लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये और भी ज्यादा पुरानी तस्वीर है, बस इसके ऊपर नाम छापा गया है। लेकिन सबसे कमाल की बात यही नहीं है, ये तस्वीर 200 साल पुरानी होने के साथ ही बहुत ज्यादा कमाल की है। जैसे कि आप देखिए कैसे इस तस्वीर के ऊपर जब घड़ी रखी जाती है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। इसी के साथ इस तस्वीर से माचिस भी जल जाती है। और यही नहीं, इस तस्वीर के ऊपर अगर बंद किया गया बोल्ट रखा जाएगा तो वो अपने आप खुल जाएगा। यानी कि ये तस्वीर एक तरीके से मैग्नेट जैसी है, लेकिन ये मैग्नेट है नहीं। कई लोग मानते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, पर उस समय इसका होना एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। नंबर टू, वो लोग मुझे तो मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। ये शब्द थे शहीद वीर भगत सिंह के। इन्होंने भरी सभा में बम फेंके थे और उसके बाद ही खुद सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनका कहना था दूसरों में उन्हें पकड़ने का दम नहीं है। इसके बाद भगत सिंह को 24 मार्च को फांसी देने का समय तय किया गया। लेकिन इससे पूरे भारत के लोग इतने ज्यादा आग बबूला हो गए थे कि ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा। इसीलिए 23 मार्च की रात को ही भगत सिंह, सुखदेव थापड़ और शिवाराम राजगुरु को चुपचाप फांसी देने का निर्णय लिया गया। जब उन्हें सैनिक ले जाने आए थे तब भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे और किताब के बस कुछ पन्ने बाकी थे। उसे पढ़कर भगत सिंह तैयार हो गए और अपने दोस्तों से मिलकर वो मुस्कुरा रहे थे। जब उन्हें फांसी लगाने ले जाया जा रहा था तब वो तीनों मुस्कुरा रहे थे और गाना गा रहे थे। सोचिए, अपनी मौत के पहले उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर अधिकारी डर गए थे। इसके बाद पूरे जेल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे और उन्होंने फांसी को चूम कर उसे अपना लिया। इसके बाद उनके शरीर को टुकड़ों में काट कर जलाने लेकर जाया जा रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोग आग बबूला हो जाएंगे। और जब इनके शव को जलाया गया था तब आसपास के लोग वहां पहुंच गए, जिससे डर के उनके शव को पानी में डाल दिया गया, लेकिन लोगों ने शव को निकाल कर अच्छे से अग्नि संस्कार दिया। नंबर थ्री, आज कोरोना महामारी को देखने के बाद हमें लगता है जैसे कि सबसे खतरनाक कोविड ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसने आज भी लोगों को जकड़े रखा है। ऐसी बीमारी है जो कि कई हजारों सालों से इंसानों के बीच है। आमतौर पर ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणु को हमारा शरीर मार देता है, लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है, उसे कोई और बीमारी है या फिर अगर कोई महिला गर्भवती है तो फिर ट्यूबरक्लोसिस को इनका इम्यून सिस्टम नहीं मार पाता, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। एक वक्त था जब भारत में हर रोज हजार से ज्यादा लोग ट्यूबरक्लोसिस से मर रहे थे। ये एक वायरस नहीं था, उसके बाद भी ये इतना ज्यादा फैल चुका था। हालांकि हाल ही के कुछ सालों में भारत को इससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस किसी को भी हरा सकता है। इसीलिए साफ सफाई रखें, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें और कसरत करें। नंबर फोर, दिलीप जोशी भारत के कैसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टूटे पैर के साथ 5 विकेट ली। इनके पैर की स्थिति इतनी ज्यादा बुरी थी कि रोज रात को इन्हें पैरों में इलेक्ट्रोड लगाकर झटके दिए जाते थे ताकि सूजन न बढ़े, और सुबह ये पैर को बर्फ में रखते ताकि जूतों में पैर फिट हो सके। लेकिन इस महान खिलाड़ी को आज देश भूल चुका है, क्योंकि इन्हें अपनी जिंदगी में काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इनका स्वभाव तल्ख अंदाज वाला था, यानी कि ये झूठ और गलत चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के बारे में काफी काले राज भी खोले। साथ में इनकी और
सुनील गावस्कर की भी बिल्कुल नहीं जमती थी। इनका कहना है कि भारतीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसों का बोलबाला है और बीसीसीआई खुद एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से कम नहीं है। इनकी किताब स्पिन पंच में इन्होंने भारतीय क्रिकेट के कई काले राज खोले हैं। नंबर 5, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंसान पूरी कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को मारने की, इसीलिए उस वक्त न्यूक्लियर बम पहली बार किसी देश के ऊपर गिराए गए थे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो कि दोनों न्यूक्लियर बम से जिंदा बचा था। इसका नाम है सुतोमु यामागुची और ये एक बिजनेस ट्रिप से हिरोशिमा गए हुए थे। तभी वहाँ पर दुनिया का पहला एटॉमिक बम गिरा जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। इसमें इनका शरीर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जल चुका था और ये थोड़े बहुत अंधे भी हो चुके थे, इसीलिए इलाज करवाकर तुरंत इन्होंने अपने घर जाने का सोचा और नागासाकी की ट्रेन बुक कर ली। और जैसे ही वो नागासाकी में पहुंचे तो वहाँ पर और एक न्यूक्लियर बम गिरा जिसमें भी उन्हें काफी ज्यादा चोट आई। लेकिन किस्मत से ये दोनों में जिंदा बच गए और 93 साल की लंबी जिंदगी के बाद 2010 कंप्लीट की। नंबर 6, रबर का इस्तेमाल आज लगभग हर एक चीज में होता है लेकिन उसके काले सच के बारे में आप नहीं जानते होंगे। रबर का जो पेड़ होता है जिससे लेटेक्स निकाला जाता है वो लगभग कहीं पर भी उग जाता है, लेकिन उन्हें उगाने के लिए ऐसे देशों को चुना गया था जो इतने ज्यादा डेवलप ना हुए हों, जिसके बाद यहाँ के किसानों से बहुत ही ज्यादा कम पैसों में या फिर दादागिरी से जमीन को खरीद कर पूरे जंगल को काट कर उसे लेटेक्स के पेड़ में बदल दिया। अब यहाँ के किसान भूख प्यास से मर रहे हैं क्योंकि जिस खेत पर वो पहले अनाज उगाया करते थे वहाँ पर अब ऐसे पेड़ उगे हुए हैं जिसे खाया नहीं जा सकता। साथ में पहले जानवरों का शिकार करते थे लेकिन अब कंपनी के वर्क की वजह से जानवर भी यहाँ से भाग गए हैं, यानी कि गुजर बसर करने का इनके पास कोई तरीका नहीं बचा है। उन्होंने सरकार को कई बार लेटर लिखे और काफी कोर्ट केस किए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आप भी रबड़ का रोजाना इस्तेमाल करते होंगे लेकिन इसके काले सच के बारे में नहीं जानते होंगे। नंबर 7, आज के वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक बार में नहीं तो दूसरी बार में ज्यादातर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल ही जाता है। लेकिन वहीं पर मिली ब्रिटेन के 47 साल की ईसा बेला स्टेट्समैन से, जो कि पिछले 30 साल से लाइसेंस लेने की कोशिश कर रही है लेकिन इसके बावजूद आज तक इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है क्योंकि ये हर बार ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में फेल हो जाती है। सोचिए पिछले 30 साल से कोशिश कर रही है, यानी कि इन्होंने कितनी बार कोशिश की होगी, क्योंकि लोग हर एक महीने के प्रैक्टिस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हैं लेकिन इसके बावजूद ये आज तक पास नहीं हो सका है। इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, उसके बाद भी कुछ न कुछ गलती हो जाती है। इन्होंने एक लाइसेंस देने के लिए 11 लाख से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए हैं लेकिन आज तक इन्हें लाइसेंस नहीं मिला। तो मित्रों, कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपसे अपने नए वीडियो में एक नए विषय की नई जानकारी के साथ। तब तक इंतजार कीजिए और नए नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार।